जुल्फिकार और इसकी बीवी सायरा अपनी बेटी साइमा के अगवा के बाद इंसाफ ना मिलने की वजह से अपने दीगर चार बच्चों को फरोख करने पर मजबूर हो गए हैं। साइमा के वालिद का कहना है कि वो कराची के मेमार मोड़ कैंप में मुकीम था कि इसकी बेटी को इसी कैंप में मुकीम जैनब नामी खातून ने इमदादी सामान देने के लालच में अगवा किया और पुलिस भी जैनब के साथ मुलविस है। मेरी बच्ची साइमा जिसकी उम्र है तकरीबन 9 साल उम्र है, उसको 24/7/2011 को जैनब ने अगवा किया है, जिसकी FIR है अपना सचल थाने में दर्ज है। पुलिस मुझे बार बार ये कहती रही कि पैसा खर्च करोगे तो इंक्वायरी होगी। अपनी छोटी बेटी से जुदाई के गम में मुब्तला माँ आस लगाए बैठी है कि इसकी बेटी साइमा इसको जल्द मिल जाएगी। साइमा की बाजियाबी के लिए इसकी माँ हुकूमत से मुतालबा करती है। हुकूमत मेरे को मदद करेगी, मेरी साइमा को वापस करेगी, मेरी मदद करेगी तो मैं बच्चे को नहीं बेचूंगी। साइमा की बहन इसको याद करती है क्योंकि अब इसके साथ खेलने के लिए कोई हमजोली नहीं रही। मैं साइमा को बोलूंगी अम्मी तेरे लिए रो रो के बीमार हो गई है। पुलिस के नामुनासिब रवैये के सबब सैलाब से मुतासिर होने वाला खानदान अब भी मुश्किलात का शिकार है। इंतजामिया की गफलत के बाइस ये वालिदैन अपने जिगर गोशों को फरोख करने पर मजबूर हो गए हैं। कैमरामैन अहमद फरीदी के साथ इकरा मुजाहिद बेग, AIY न्यूज़ कराची।